हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ हाफ जैकेट के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 16 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 16 फंदे गिन लीजिए, फिर से 16, फिर से 16, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है, वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 35 फंदे 16 के मल्टीपल करके और इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। डिजाइन की अब ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम इसका ये सीधा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एक फंदा यहाँ सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, फिर से धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक दो और ये तीन, यहाँ हम 3 फंदे का एक करेंगे। तो पहले को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे बैक साइड की सिलाई पर ले लेंगे और इसको पलट कर यहाँ इसके आगे डाल देंगे। धागा पीछे रहे और बैक साइड से इन 3 फंदे को लूज करके और 3 फंदे का एक फंदा यहाँ सीधा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए हैं, तो एक फंदा हमने जाली से यहाँ पर बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदे को ऐसे हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया है इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि नेक्स्ट बार कैसे बनाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और 3 का एक करना है, तो पहले को छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे और इसे इनके आगे कर देंगे। बैक साइड से 3 फंदे को पहले लूज कर लेंगे ताकि 3 का एक करने में आसानी हो, फिर बैक साइड से 3 का एक फंदा सीधा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए हैं, एक हमने देखिए जाली से यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब दो फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से यहाँ फंदा बढ़ गया। आपके जितने भी फंदे हों, यही 16-16 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, इसे उल्टा बना दीजिए। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे सीधी साइड पर सीधे हैं वो उल्टी साइड पर उल्टे बनेंगे, जो सीधी साइड पर हमने उल्टे बनाए वो यहाँ सीधे बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, उसके बाद देखिए, एक तो ये हो गया है, अब ये 2, 3 और ये 4, 4 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, एक और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ,
एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे और दो फंदे सीधे, यानी हमें सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाना है। अब ये एक उल्टा, धागा पीछे और ये दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए बीच में एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदे यहाँ उल्टे आएंगे। फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और दो फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये एक उल्टा, फिर धागा पीछे और दो फंदे अब ये सीधे। बीच में आपके पांच पांच फंदे आएंगे, लास्ट में आपके चार होंगे, इनको आप उल्टा बना दीजिए। दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, अब धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, एक और ये जो जाली से बनाया दो, फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। इसमें यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे और यहाँ बीच में बढ़ेंगे, यहाँ पर अब हर सीधी सिलाई पर फंदे घटेंगे। तो धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, एक और ये दो, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये जो दो उल्टे हैं इसमें से एक बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, इन तीन का एक करेंगे। तो बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसको उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलटकर सबसे आगे। अब बैक साइड से तीन फंदे में सिलाई डालेंगे और तीन का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच में तीन फंदे सीधे बना देंगे, एक, दो और ये तीन, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये जो दो उल्टे हैं इसमें से एक बनाएंगे और धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ तीन का एक करना है, तो एक फंदे को छोड़कर बीच वाले को लेंगे, इसे उतार कर यहाँ डाल देंगे और इसे पलट के सबसे आगे करेंगे। अब बैक साइड से इन तीन फंदे में सिलाई डाल के तीन का एक कर देंगे। अगर ये टाइट लगे तो आप थोड़े से इनको लूज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर तीन का एक करने से दो फंदे कम हुए, तो जाली से इधर फंदा बढ़ाया है। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ दो फंदे सीधे बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तीन सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। चौथी सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। चौथी सिलाई पर आपको अपने ये फंदे ऐसे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो सीधे पर सीधा बनाइए और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए आप इसकी फोर्थ सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, धागा पीछे करेंगे और अब यहाँ तीन फंदे सीधे, एक, दो और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब यहाँ फिर से हम तीन का एक करेंगे, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको पलट के हम आगे कर देंगे। धागा पीछे ही रहे, अब तीन फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के तीन का एक फंदा ऐसे सीधा बुन देंगे। अब ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो उल्टे हैं, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर से धागे को ऐसे अपनी तरफ करेंगे
और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो देखिए इधर भी जाली से फंदा बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया। धागा अपनी तरफ दो उल्टे, एक दो, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम फिर से तीन का एक करेंगे तो इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसको उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और इसे हम पलटते यहाँ डालेंगे। अब बैक साइड से तीन फंदे में सिलाई डाल के तीन का एक फंदा ऐसे बना देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे कर देंगे, एक फंदा सीधा, और अब लास्ट में देखिए धागा अपनी तरफ करके एक दो तीन और स्टिच को हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना देंगे। पांच सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बना दीजिए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी सातवीं सिलाई और सीधी साइड पर। सातवीं सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, अब धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर तीन फंदे का एक करेंगे। तो पहले को छोड़कर देखिए यहाँ पर तीनों ही सीधे आ गए हैं। बीच वाले को ऐसे लेंगे, इस एक को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे पलटकर आगे डाल देंगे। फिर ये तीन फंदे हम थोड़े से लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के तीन का एक फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात फंदे यहाँ सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ, अब दो फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर तीन फंदे का एक करेंगे। ये यहाँ पर तीनों सीधे हैं तो एक को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलटकर सबसे आगे कर देंगे। तीन फंदे को ऐसे लूज करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और तीन का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और अब देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे बनाए तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बना देंगे। सात सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। आठवीं सिलाई उल्टी साइड से, उल्टे फंदे पर आप उल्टे बनाइए और जो सीधे हैं उनको सीधा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। आठ सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है। नौवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, धागा पीछे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो फिर से जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ फिर से तीन का एक करेंगे तो इस सीधे वाले बीच में से फंदे को लेंगे, इसको उतार कर बैक साइड पर और इसे पलट के सबसे आगे। अब तीन फंदे को लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के इन तीन का यहाँ एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ फंदे सीधे आ गए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे और यहाँ तीन का एक करना है तो बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे,
इसको बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलट कर आगे करेंगे। फिर तीन फंदे में बैक साइड से सिलाई लेंगे और तीन का एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ करके हमने पांच फंदे सीधे बना दिए और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। नौ सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। दसवीं सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बुन दीजिए। दस सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। ग्यारहवीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। ग्यारहवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, अब धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाले से फंदा बढ़ गया। और अब ये वाले जो तीन फंदे हैं इन तीन का एक करेंगे, तो बीच वाले को लेंगे, इसको उतार कर बैक साइड की सिलाई पर करेंगे और इसे पलट कर आगे डाल देंगे। अब तीन फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे। अब ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और बीच में अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह फंदे यहाँ सीधे आ जाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे तो यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ गया। अब फिर से तीन का एक करेंगे तो एक फंदे को छोड़ देंगे और इसे बैक साइड की सिलाई पर लेंगे, बीच वाले को पलट के हम सबसे आगे कर देंगे और तीन फंदे में बैक साइड से सिलाई डालकर तीन का एक करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा, फिर धागा देखिए अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया है। एक दो तीन चार पाँच छः और स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। ग्यारह सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। बारहवीं सिलाई उल्टी साइड से, आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए क्योंकि बारहवीं सिलाई पर कोई भी फंदा यहाँ पर सीधा नहीं बचता है, सारे फंदे यहाँ उल्टे हो जाते हैं। ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। मैंने इसे तीन तार वाली ऊन में बनाया है तो नौ नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार यूज कीजिए। तो इसको मैं उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 12 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। यही 12 सिलाइयाँ आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग जैसे सेम टू सेम मैंने पहली सिलाई यहाँ से बुननी बताई है, उसी को आप रिपीट करके देखिएगा। सेम टू सेम आगे ये रिपीट होता जाएगा। इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट कीजिए और आप एक शानदार सा डिजाइन बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।